पहली कविता पढ़ रहा हूं, तुम्हें चूमना। शब्द कहते हैं जितना, छिपाते हैं उससे अधिक, वे छल के सबसे धारदार हथियार हैं। भाव भंगिमाएं भी कतई विश्वसनीय नहीं, वे तो छलती आई हैं तब से, पैदा भी जब नहीं हुए थे शब्द। और देह उसका अपना है दर्शन, व्यापार अपना, गोरख धंधा इतना अजब कि इस भूल भुलैया में क्या मालूम कोई राह कहीं पहुंचे भी या ना पहुंचे। इस सब के बीच मूक होकर भी कितना मुखर है तुम्हें चूमना, बता देता है बहुत कुछ और पारदर्शी इतना कि हम देख सकते हैं एक दूसरे के भीतर का सच। चूमने में शामिल सिर्फ देही नहीं होती। दूसरी कविता है, हम सिर्फ रिमिक्स सुनते हैं। तुम्हें अच्छा लगता है यूं पास पास बैठकर, जब हम एक ही ईयरफोन पर साझा करते हुए गीत लगा लेते हैं अपने एक एक कान में ईयरफोन के अलहदा सिरे। यह आबिदा परवीन गा रही है जो ऐसी बारिश का नाम है जिसमें रूह को तन पर पहन भीन जाते हैं हम। कुछ ही देर में यह आवाज दूर हो जाती है, यह खालिस हुनर की खामी कह लें, वह बांध नहीं सकता बहुत देर और आपको भीतर की ओर धकेल देता है। अब कोई दूसरी आवाज है जो सुन रहा हूं मैं, यह इस समय के वर्जित शब्दों से लबरेज एक गीत है, कहना मुश्किल है इसे आत्मा गा रही है या देह। संगीत कुछ जाना पहचाना सा मालूम होता है, गौर से सुनने पर ही जान पाता हूं हम दोनों की जुगलबंदी है यह तो। एक ही ईयरफोन पर एक साथ उसे सुन रहे हैं हम एक कान से, हमारा दूसरा कान बाहर का शोर सुनता है। मैं सोचता हूं कि तुम इस वक्त क्या सुन रही होगी, तुम्हारा सुना हुआ मेरे सुने हुए से जुदा ही होगा, और रचे जा रहे से अलग तो यकीनन ही। इस तरह हम बाहर के शोर में अपने ही संगीत का दूसरे कान द्वारा किया गया रिमिक्स सुनते हैं।